चलते हैं तो वो सामने के पहाड़ में जो है जैतपुर मंदिर है, तो आज हम वही जा रहे हैं। और आजकल जो है आपको व्लॉग में मेरे बैकग्राउंड में एक नॉइस आता होगा, ये जो है इस सीजन में जो है कीड़े आ जाते हैं, तो इनका दिन भर ये रहता है, इसी आवाज आती है, तो ये बैकग्राउंड के तो नॉइस को इग्नोर करना। तो फिलहाल निकलते हैं अब मंदिर के लिए। तो फाइनली मिल चुका है तुषार, ये रहा। हेलो सर, तो ये ला गया है पूरा अपना ब्लॉगिंग का सेटअप, तो चलो चलते हैं अब। तो पहले जाने से पहले यहाँ से लेते हैं मैगी के पैकेट 4-5। तो 5 मैगी के पैकेट के साथ एक जो है स्प्राइट की बोतल भी लेनी है हमने, चिल्ड बिल्कुल। तो अभी जाते हुए हमको एक भला मानुष दिखा है। तो फिलहाल अभी हम जो है मंदिर के निकल चुके हैं, हम 4 लोग हैं टोटल, पीयूष, प्रभाकर और तुषार। तो अभी चलते हैं मंदिर को, यहाँ से रास्ता पड़ता है। तो आ चुके हैं मंदिर का गेट, यह है मंदिर का गेट यहाँ पर। अभी जो हमने मंदिर का गेट तो पार कर लिया है और अब हमारा रास्ता स्टार्ट हो गया है। तो अभी ऊपर जितना जाते रहेंगे काफ़ी बढ़िया व्यू पॉइंट मिलेगा, तो अभी आगे को चलते रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू पॉइंट हमारे सोमेश्वर का, और ऊपर से काफ़ी प्यारा दिखेगा। तो अभी जो है जाते हुए थोड़ा बोरिंग सा हो रहा था, तो हमने सोचा कि स्पीकर में गाने लगाते हैं, हम ला रहे हैं स्पीकर, तो बजाओ रे गाने। Big Bird, तो गाने सुनो आप याले। तो अभी ये लोग भी जैतकोट गए थे, तो ये तो आ चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं, वो तो ऊपर चले गए काफ़ी। तो यहाँ से लगभग जो है मंदिर 2-3 किलोमीटर हमको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तब जाके हम मंदिर जाएंगे। और हम जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना अच्छा हमको व्यू पॉइंट दिखता रहेगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और बाबा जी से भी मिलाऊँगा मंदिर में जाके आपको। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और आप बताना कि आपको अभी जो है आवाज़ की क्लियरिटी कैसी लग रही है। अभी जो है मैंने माइक लगा रखा है, ये तुषार लेके आया था तो इसका माइक मैंने मांग रखा है, तो अभी फ़िलहाल लगा रखा है। बताना आपकी माइक में क्लियरिटी सही आ रही है। तो अभी यहाँ से आप व्यू चेक करो हमारे सोमेश्वर का, भाई ये ऐसा है, और बीच में ऐसा लग रहा है नदी जा रही है, पर ये देखो ये है हमारे सोमेश्वर के घर। और वाइड एंगल करने में आपको नदी की तरह लग रहा होगा पूरा, और यहाँ का नाम भी तभी सोमेश्वर घाटी है। और आप अगर कभी मंदिर आओगे तो यहाँ पानी आप अपना खुद कर लेके आना, क्योंकि मंदिर काफ़ी ऊपर है, तो वहाँ पर जो है बाबा जी रहते हैं, तो उनके लिए जो है घोड़े से पानी लिया जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग आओगे तो खुद का पानी ला सकते हो, एक बोतल में ले आना आपने लिए। तो ये देखो हर पेड़ में आपको ये मिट्टी और चूने के निशान दिखेंगे, ताकि अगर कोई नया आए यहाँ पर तो वो रास्ता जो है भूल ना सके। तो आप देख सकते हो हर जगह जो है ये निशान लगा रखे हैं, कि अगर कोई नया आए तो ये निशान देख के पहचान सके कि रास्ता यहाँ को है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया कर रखा है।
तो अभी हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं रेस्ट करने के लिए, और अभी हमारा पहला ब्रेक होगा। तो हम ये बाज़ार से छाछ लेके आए थे, तो इसमें अभी जो है पूरा बर्फ़ जम रखा है। पहले इसको पिघलाते हैं और पीते हैं सब लोग। 500 ml का है, 15 rupees का पड़ा हमको, पहले 10 का आता था। पूरा बर्फ़ जम रखा है। हमने सोचा कि हम मार्केट से बर्फ़ वाला ले गए, हमने सोचा कि हमने काफ़ी ज़्यादा चलना है। तो अभी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो रखा है। हम जो है बाज़ार से बर्फ़ वाला उठा के लाए थे, क्योंकि हमने सोचा कि मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने तक जो है ये पिघल जाएगा। तो अभी रास्ते में जो हमारा गला सूख गया था, तो इसको अभी पिघलाते हैं। पूरा बर्फ़ बन रखा है, अब पता नहीं कैसे पिघलाएंगे। हम कुछ लाए भी नहीं है बर्तन। 15 minutes later अभी हमने सोचा कि थोड़ा डांस भी हो जाए, तो अभी ये लगेंगे गाने और हम चारों लोग यहाँ पर डांस करेंगे। तो चलो डांस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्ट लेने के बाद निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और अब एक जगह व्यू पॉइंट दिखेगा काफ़ी प्यारा वाला, आपको वहीं पर ही मिलता हूँ सीधे। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं मंदिर, थोड़ा सा जाना है हमने। वो देखो वो टावर है, वहाँ से ये पता चलता है कि बहुत ही कम बचा है। गाइस लोग आप लाइक कर दो, आपको जन्नत दिखाता हूँ मैं। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं, जो मैं कह रहा था कि ऊपर काफ़ी तगड़ा वाला व्यू पॉइंट है, तो अभी हम वहाँ आ चुके हैं। अब आपको मैं व्यू दिखाऊंगा भाई, इतना तगड़ा व्यू है, आंखें घूम जा रही है, काफ़ी ऊंचाई में आ रखे हम। तो आपको व्यू दिखाता हूं, लेकिन व्यू देख के तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आपको दिखाता हूं मैं बैक कैमरा से। भाई ये चेक करो आप व्यू, थोड़ा सा पता नहीं उस पहाड़ के साइड को जो है नीले नीले सा क्यों दिख रहा है, फॉग लग रहा है उसके कारण नीला लग रहा है। और बाकी आप ये देखो कितने ऊंचाई में हैं, हम इतने टॉप में खड़े हैं और वो नीचे जो है खाई है, इतने ऊंचे में खड़े हैं हम। डर लग रहा है भाई, नहीं लग रहा? ये कह रहा है डर नहीं लग रहा भाई, ऐसा व्यू देख के किसको डर ना लगे। तो तुषार कह रहा है कि मैन वर्सेस वाइल्ड देख रहे, बिल्कुल ये व्यू देख के वही फील आ रहा है। सर आपने अभी आपको इसने व्यू दिखाया, दिखा दो एक बार। और ऐसा यहाँ से देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड एक एपिसोड आता है, उसकी तरह अमेज़न का जंगल जैसा होता है उस टाइप का लग रहा है। नीचे को पूरे पेड़ ही पेड़ एकदम गजब, और थोड़ा घना कम है लेकिन होने का अमेज़न का जंगल ही। तो गाइस आप देख सकते हो आजकल जो है पहाड़ों में असोज का महीना चल रखा है, तो आपको जो है खेतों में लोग दिख रहे होंगे। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो खेतों में लोग दिख रहे होंगे, और इतनी कड़ी धूप में भी जो है लोग अपने खेतों में धान लगाने के लिए आ रहे हैं। तो यही होता है पहाड़ों में, आजकल काम काज का दिन होता है, तो हर एक परिवार का जो है बच्चा बूढ़ा या जो भी हो वो किस खेतों में आएगा ही आएगा। देखो भाई क्या ही नज़ारा आ रहा है यहाँ का। तो गाइस आप बताना कि आपको यहाँ से कितने पहाड़ दिख रहे हैं, आप गिन भी नहीं पा रहे होगे। ये आप देखो एक पहाड़ के पीछे पहाड़ पहाड़ पहाड़ी पहाड़ हैं, आप बताना है आपको कितने पहाड़ दिख रहे हैं। और व्यू तो काफ़ी तबाही वाला है यहाँ का, एक सिनेमैटिक दिखाता हूँ आपको यहाँ का। तुम्हार को जन्नत दिखाता मैं, ये तुषार जो है आपको अभी कौन सा फ्लिप दिखा रहे हो भाई? तो ये बैक फ्लिप दिखाएगा, इसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, तो आपको इसका एक बैक फ्लिप दिखा दूं। तो बैक फ्लिप के चक्कर में भाई के हाथ में लग चुकी है। तो भाई कैसा लग रहा है अभी आपको?
क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मतलब हाथ में नमक है मतलब। अरे एम्बुलेंस को फोन कर, एम्बुलेंस को फोन कर भाई, एम्बुलेंस को। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, मौज मस्ती सारी हो चुकी है और अब निकलते हैं मंदिर के लिए। तो पहले छाछ पीते हैं, दूसरा पैकेट भी हमने खोल लिया, हम दो ला रखे थे, दो के दो हमने यहाँ पी लिए हैं। तो अभी जो है प्रभाकर पी रहा है और ये पिएगा, फिर बाद में मैं पीऊँगा, थोड़ा सा बचा उसमें। हम दो पैकेट लाए थे, दो के दो यहीं ख़त्म कर दिए हैं, अब निकलते हैं मंदिर के लिए। और ये टावर देखो आप भाई, तो ये देखो ये है बुर्ज खलीफा 2.0। तो फाइनली 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 हम मंदिर पहुंच चुके हैं, वो ऊपर है देखो मंदिर। तो थोड़ा सा चलना बाकी है और अब मजा आने वाला है। मंदिर पहुंच गए भैया। तो अभी देखो आप मंदिर में जाते हुए कितने प्यारे फूल लगा रखे हैं, अगर कोई मंदिर में आएगा तो यहाँ से तोड़ के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो अब पहुँच चुके हैं पूरा मंदिर। फाइनली पहुँच गए, जय हो जय माता दी। तो ये है मंदिर और अब आपको मंदिर के बारे में भी बताऊंगा और व्यू भी चेक कराऊंगा। फिलहाल तो सबसे पहले करते हैं पूजा। मंदिर में आ गए हैं और ये देखो आप झंडे के नीचे में कितना प्यारा डिज़ाइन बना रही है। और आप देखो फूल कितने प्यारे लगा रहे हैं यहाँ मंदिर में, ये देखो। और ये है मंदिर कुछ इस तरीके का। अभी जो है फिलहाल मंदिर बंद हो रखा है, ये मंदिर जो है 12 बजे तक खुलता है, फिर 12 बजे बाद बंद हो जाता है और 4 बजे खुलता है। और अब भी हम आ रहे हैं तो 2 बज गए हैं, हम यहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचे। हम वहाँ से निकल तो 10 बजे गए थे पर मंदिर हम जो है 1:30 बजे पहुँचे। तो अभी जो है बाबा जी कह रहे हैं कि 4 बजे खुलेगा यहाँ का मंदिर का दरवाज़ा। तो अभी जो है फ़िलहाल 2 बजे हैं, तो इतना देर तो नहीं रुकेंगे क्योंकि फिर रास्ता भी काफ़ी लंबा है, तो अंधेरा हो जाएगा हमको घर जाते हुए। तो अभी देखते हैं कि क्या प्लान होता है। और मंदिर से जो व्यू दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये देखो आप भाई। आपको सिनेमैटिक के जरिए दिखाता हूँ यहाँ का चारों तरफ का एक व्यू। तो फिलहाल अभी हम मंदिर में आए तो हमको पता नहीं था, हमको लगा कि मंदिर से बर्तन मिल जाते होंगे। तो अभी बाबा जी ने बताया कि बर्तन लेके आना पड़ता है, तो हम तो बर्तन लाए ही नहीं है, तो पूरी तरीके से पोपट हो चुका है। तो अब जो है हमारा प्लान बनने का है कि मैगी यहाँ से पहले हम जाएंगे मार्केट, मार्केट से बर्तन लेंगे मतलब घर से, और फिर जो है कहीं वहाँ पर जहाँ हमारा मतलब बेस्ट लोकेशन मिलेगा वहाँ जाके जो है मैगी बनाएंगे। तो फिलहाल अभी पहले स्प्राइट पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो ये स्प्राइट लाए थे हम, अभी इसको ही पीते हैं, और सुबह हम नाश्ता करके भी नहीं आए थे। तो फिलहाल अभी स्प्राइट पीते हैं और चलते हैं ऐसे फटाफट, और फिर जो है जहाँ पर हमारा मतलब प्लान बनेगा वहाँ जाके मैगी बनाएंगे, वहीं खाएंगे। तो पीते हैं अभी स्प्राइट फिलहाल। तो ये बताएगा आप कुछ मंदिर के बारे में बातें। तो अभी हमने बाबा जी से पूछा था कि ये मंदिर कब स्थापित हुआ था। बाबा जी बता रहे थे कि ये मंदिर का बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि कब स्थापित हुआ था, बट पिछले साल यहाँ पे एक चैत के महीने में मूर्ति स्थापित हुई थी, यहीं पे अभी स्थापित हुई थी, वो मूर्ति भी दिखाएंगे आपको। और वो मूर्ति चैत के महीने में स्थापित हुई थी। मंदिर बंद है ना अभी? और फिलहाल तो मंदिर बंद है, वो ऐसे नहीं तो मूर्ति वगैरह दिखाते, ये बेटाइम हो गया। और अभी तो फिलहाल तो जानकारी इस मंदिर के बारे में इतना ही है, और बाकी का मनीष बताएगा। तो तुषार ने आपको बता ही दिया होगा मंदिर के बारे में बातें, और मूर्ति हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि जो है अभी मंदिर बंद हो चुका है। जब मंदिर खुलेगा 4 बजे तब तो क्या ही दिखाऊंगा, क्योंकि हम निकल जाएंगे क्योंकि फिर हमको घर जाने जाने तक रात हो जाएगी। तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल तो गए सभी हम जो है मंदिर से निकल चुके हैं, हमारा मंदिर में जो भी प्लान था वो हो नहीं पाया, और बाबा जी भी अभी जो है अपना कामों में बिजी थे तो इसलिए उनसे भी नहीं मिला पाया। फिलहाल अभी निकलते हैं मार्केट के लिए, और हमारा एक प्लान जगह बनने का है, वहाँ जाके मैगी बनाएंगे घर के। तो चलो निकलते हैं वहीं के लिए। तो फिलहाल तो गए अभी हम जो है रोड के नीचे आ गए हैं, और अभी हमारा मैगी बनाने का प्लान यहाँ पर बन गया है। तो पहले जो है पता नहीं यहाँ लोगों ने जो है
अपनी पार्टी वगैरह करके जो है यहाँ पेप्सी की बोतल वगैरह और पानी की बोतलें वगैरह फेंक रखे हैं, तो इनको जो है पहले साफ़ करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं बढ़िया सा चूल्हा। हमारी मैगी बन गई और हमने मैगी यहाँ पर साइड में रख दी है, और जहाँ पर हमने मैगी बनाई थी वहाँ पर हमने पानी डाल लगाया। थोड़ा थोड़ा आग जल रही है, मतलब धुआं आ रहा है, पर हमारे मैगी खाने तक वो हो जाएगा। और अभी मतलब हमारा थोड़ा सा पानी बचा है, तो मैगी खाने के बाद जो है जितना अगर बचेगा वो सारा डाल देंगे इसमें। फिलहाल तो आग बुझ चुकी है मतलब लगभग। अभी जाते हुए जो है हमको हमारी ड्रीम कार दिख चुकी है, अभी तो दिखी है लेकिन एक टाइम आएगा कि अपने पास भी होगा ये भाई ड्रीम कार दिख चुकी है थार। तो फाइनली गाइस आज का व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो जो मेरे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।